प्रणाम मम्मी। खुश रह, कल दिवाली है, अब क्या होली पे आएगा तू? एक दो तीन चार दिवाली कल ही है। अरे यार, अब ये टारगेट खत्म हो तब तो बहुत छुट्टी देगी ना। मैं कोशिश करता हूँ आज शाम की ट्रेन पकड़ के आ जाऊँ। अब क्या ही बोलू, दो पैसे कमाने के लिए शहर भेजा था, अब दो वक्त नहीं मिल रहा उन दो पैसों को खर्च करने के लिए। माता जी इमोशनल हो रही है। ऐसा करता हूँ ना मम्मी, मैं जॉब ही छोड़ के आ जाता हूँ, फिर वक्त ही वक्त होगा अपने पास दो पैसों को खर्च करने के लिए। नहीं नहीं बेटा, इतना भी वक्त नहीं चाहिए, तू आराम से छुट्टी लेके आ। अच्छा ठीक है, लगता है दाल हो गई, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, अपना ध्यान रख ठीक है। अरे लो, अब दाल की कीमत बेटे से ज्यादा हो गई। ओ बच्चा लोग, मुझे पहले ही से पता हो गया था तुम लोग के पटाखे के बारे में। अरे हमने भी खूब पटाखे छोड़े हैं। क्या बात करे भैया, आप तो एकदम खड़ूसी लगते हो। हाँ, एकदम बोरिंग टाइप, जैसे लगता हो अभी जेल से छुटके आए हो। अबे ओ, बिना आलू के समोसे अब बिजी हो गया हूँ ये ऑफिस वगैरह के चक्कर में। अरे पटाखे का छोड़ो, पाने भर का टाइम नहीं है। तभी भैया की शक्ल पाँच जैसी बनी रहती। हंस लो बेटा, हंस लो, एक दिन तुम लोग की लाइफ भी ना ऐसे ही होने वाली है। अच्छी भैया, आप हमारे जैसे ही थे। हाँ शैतान नटखट, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। हमने जो दिवाली सेलिब्रेट की है, तुम लोग को कहाँ नसीब हो। तो भैया बताओ ना आप अपने बचपन के बारे में। पक्का? हाँ भैया प्लीज। ठीक है फिर, अभी 20 मिनट बाकी ऑफिस को, चलते हैं फ्लैशबैक में। बचपन वाली दिवाली। अंतल, तुतपुतिया है क्या बेटा? तुतपुतिया नया टाइप का बम आया क्या बेटा? तुम बताओ दादा, इतना बड़ा दुकान थोली इनको तुतपुतिया के बारे में नहीं पता। अरे तुतपुतिया? अरे ससुर कौन चीज बोल रहा है जी? अंकल चुटपुतिया मांग रहा है। हाँ तो ऐसे बोलना चाहिए ना, तब से तुतपुतिया तुतपुतिया कर रहा है। हाँ तो बेटा बताओ कितना डिबिया दे। अंतल आप दे दो 1 2 3 4। ठीक है, ये भी साथ में दे दे बेटा। ये क्या है? जो जो मैं बताऊंगी बाद में। अंकल आप ये दे दो, और आपके पास वो फ्लेयर वाली बंदूक है? हाँ है ना ये फ्लेयर वाली बंदूक। अरे वाह अंतल, और आप ना वो चटाई बम भी दे दो। नहीं जोजो, इसको बांध के ना चटाई बम बना लेंगे। हाँ दीदी मस्त। ये भी साथ में दे दूं? अब ये क्या है? वाह, और दीदी वो बंदूक वाला? वाह क्या मस्त टाइम था भैया आप लोग का। तो था भैया। अच्छा ये पटाखे वगैरह का तो हो गया, आप लोग डेकोरेशन वगैरह कैसे करते थे, मतलब लाइट्स वगैरह कैसे लगाते थे? लाइट्स बेटे हमारे टाइम में ना दिए जलाते थे। अरे आजकल चला लाइट्स वगैरह का सिस्टम, पूरा घर ना दियो से सस्ता था बस। जो 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 सारे दियो को ना अच्छे से नीचे रख देना। हाँ ठीक है, दो दिया ठीड़ी पात रखना है, दो दिया देते पात रखना है, और एक दिया थपते पात रखना है। पहले ना फेस्टिवल फेस्टिवल की तरह लगता था, हवाओं में एक अलग सी खुशबू थी। अब तो पहले से लगता था कि हाँ कुछ है, अब यार वो वाली बात ही नहीं रही। मतलब ये बड़ी अजीब सी फीलिंग है, लेकिन यही फैक्ट है, सब नकली सा लगता है अब। भैया तो सीरियस हो गए। अरे और बताओ ना भैया। अरे क्या बताऊं, अब तो दिवाली भी ऑनलाइन ही मनती है। मिठाई ऑनलाइन आ गए, कपड़े ऑनलाइन आ गए, और घर का सफाई भी कर लिया ऑनलाइन, स्टेटस लगा के हैशटैग दिवाली की सफाई। सॉरी भैया बट सफाई तो हम लोग ही बहुत करते हैं। अरे घर के कोने कोने में सफाई करनी होती है। घर की कोने कोने की सफाई? बेटे हम पूरे मोहल्ले के कोने कोने की सफाई किया करते थे। तोते पत्ते पे और कितना दुलुम तलो दी मम्मी, कितनी थपाई बाती है अभी। पूरे साल भर की सफाई जब एक ही दिन में होगी तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। चलो जल्दी जल्दी, तमते तम ताए पानी तो तला दो। ना ना, जब तक पूरे घर की सफाई ना हो जाए तब तक ना खाना पीना। पत्ते की दाल होगी क्या मम्मी? अच्छा बताओ क्या क्या करना है? तू बस वो बैग साफ कर दे। बस ये बैग अभी थाप करते देता हूँ। तीन तार तो तालते तही रखता था त्या। मम्मी मेरा दिन खेलने वाला मिल गया। अच्छे से सफाई कर, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा। हाँ। What is this? सासू माँ का नेकलेस, मुझे तो लगा था चोरी हो गया। देख बेटा कुछ और भी मिलेगा तो बताना। अली बाप ले बाप, क्या था मिल रहा है बैग में थे। अब ये क्या है भाई? देखे देखे, अरे जमीन का कागज, अब हमारी जमीन वापस मिल जाएगी। सामान मैं ढूंढा हूँ, लेते ये भागदा रही है, इस बार देखता हूँ क्या मिलेगा। तुप तुप तुप, मम्मी देखो पता नहीं कितना बत्ता मिल गया यार, ये देखो। देखूं जरा, अरे ये तो तुम्हारे मौसी का बच्चा है, पिछली दिवाली को खो गया था। हाँ बहन तुम्हारा बच्चा मिल गया। हे भगवान, पता नहीं है बोल त्या त्या मिले दा। बताओ दिवाली सफाई में खोया हुआ बच्चा मिल गया, भैया ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे तो जो सच्चाई वो बता दिया मैंने, तुम लोग क्या लग रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ऐसे ही बोल दी भैया। भाई दो दो महीने पहले सफाई होती थी, घर वाले पूर मजदूरी। समझ गए भैया समझ गए, आपने अपने टाइम में बहुत सफाई की है। हाँ हाँ मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे चलना पड़ेगा, वरना वो मेरी खड़ूस बॉस ना जान ले लेगी मेरी। दिवाली पे आप घर नहीं जा रहे भैया? अरे कहाँ छुट्टी मिले तब तो। अच्छा आपकी बॉस जो 7th फ्लोर पर थी वही ना? हाँ भाई जिंदगी नरक बना के रखी है, खुद तो एसी वाले रूम में बैठती है और मुझे दिन भर बाहर दौड़ाती है। काम जल्दी करके देता तो इतना जल्दी कैसे किया, कुछ गड़बड़ किया होगा बाई चांस।
लेट हो गया तो है, पैसे काम करने के मिलते हैं, आराम करने के। 15 मिनट के लंच ब्रेक में ना 20 मिनट तक गाली सुना के पेट भर देती थी, और संडे को भी आराम नहीं करने देती, कहती है जो सोया वो खोया। अरे मेरी माँ, नींद सुख चैन सब तो खो गया, बचा क्या है भैया? आप घर जाओगे? कहाँ से जाऊंगा मैं, 10 मिनट में ऑफिस पहुंचना है। अगर ये चुड़ैल ऑफिस आएगी और आएगी उसके बाद लगातार 11 बजे रात तक काम करवाएगी, कैसे घर जाऊंगा? अगर वो ऑफिस पहुंची नहीं तो यस। भाई साहब, एक बार को ना सलमान खान और विवेक ओबरॉय की दोस्ती हो सकती है। अरे पेट्रोल का दाम 10 रुपए लीटर हो सकता है। अरे मैं तो ये मानने को तैयार हो जाऊँ की इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकता है, लेकिन मेरी बॉस ऑफिस न जाए, नो चांस। हम है ना, हम दो भाई, दोनों के दोनों तबाही। अच्छा क्या करोगे? गाड़ी पंक्चर करेंगे। चिट चिट चिट, अभी पंचर होना था इसको, ओला करना पड़ेगा। अबे गाड़ी पंचर कर दोगे तो ओला नहीं कर लेगी वो, अगर फोन ही चोरी हो गया तो। अरे वो देखो चिड़िया उड़े रही है। अबे चिड़िया है तो उड़ेगी ना, तैरेगी क्या? अबे चोर 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 चोर, शिट आज का दिन ही खराब है, ऑटो बुक करना पड़ेगा। ऑटो गवारो, ऑटो कर लेगी वो, उसका भी जुगाड़ है। ऑटो भैया, अरे यार कोई सुन ही नहीं रहा, सब बहरे हो गए हैं क्या? बच्चा कुछ अशुभ होने वाला है। ओ भैया सुनो, ऑटो। अरे गाड़ी भी पंक्चर हो गई, फोन भी चोरी हो गया, ये ऊपर वाले का संकेत तो है, कुछ बड़ी अपशकुन होने वाला है। होने दो अपशकुन, मैं नहीं मानती अपशकुन फपशकुन। अच्छा कुछ अनहोनी हो जाएगी बेटा फिर। होने दो अनहोनी, मुझे ऑफिस जाना है। मतलब तू ऑफिस जाके ही रहोगी? यस। ऑफिस जाने से तुम्हें दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। नहीं। अच्छा बाबा ऐसे नहीं करना चाहिए, बाबा मुझे ऑफिस जाना है यार। मिशन सक्सेसफुल, थैंक यू। अबे अब मेरा बैग जाएगा ऑफिस। अरे बताओ कैसी कंपनी है, दिवाली के दिन भी छुट्टी नहीं दी। हाँ मम्मी अब क्या कर सकते हैं। अच्छा बेटा लगता है कोई आया है ना, थोड़ी देर बाद कॉल बैक करती हूँ। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा, लेकिन एक मिनट, तू कहीं जॉब छोड़ के तो नहीं आया? नहीं मम्मी, आप भी ना। अरे मजाक कर रही हूँ बेटा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।